अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चैलेंज नंबर जो है वो 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैलेंज नंबर 13 क्या है? आस्क फॉर द यूज़र टू इंटर अ नंबर डैट इज़ अंडर 20। यूज़र से हमने नंबर लेना है एक जो क्या हो 20 से कम हो। आगे क्या कह रहा है? इफ़ दे इंटर अ नंबर डैट इज़ 20 और मोर, अगर जो नंबर हुआ या 20 या 20 से ज़्यादा हुआ तो हमने क्या डिस्प्ले करा देना है? डिस्प्ले अ मैसेज टू हाई, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करना है? डिस्प्ले करा देना है थैंक यू। इसमें हमें समझ आ रही है कि इफ़ यू कंडीशन को यूज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली हम क्या यूज़ करेंगे? इफ़ एज कंडीशन, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने यूज़र से नंबर लिया है, नम वन लेना है। सबसे पहले टाइप कास्ट किया, फिर इनपुट फंक्शन यूज़ किया, फिर हमने उसको बोला कि इंटर अ नंबर, लेट इसी को कॉपी करते हैं, इंटर अ नंबर डैट इज़ अंडर 20 के 20 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो नंबर आ गया, नम वन में आ गया जो भी यूज़र इंटर करेगा। इसके बाद क्या कह रहा है? इफ़ द नंबर डैट इज़ 20 और मोर, अगर जो नंबर है या 20 हुआ या 20 से कम हुआ तो हम 20 से ज़्यादा हुआ तो क्या करना है? इफ़ नम वन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ठीक है, तो हमने क्या करना है? तो डिस्प्ले करा देना है, प्रिंट करवा देना है कि टू हाई, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया कि टू हाई। अगर ये वाली कंडीशन ना हुई तो अदरवाइज क्या होगा? एल्स ही होगी। तो एल्स में हमने क्या कहा था कि क्या डिस्प्ले करवाओ? थैंक यू लिख देना है, ठीक है। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है। तो सबसे पहले यूज़र से नंबर लिया, जो अगर पहले हम 19 देते हैं तो हमें क्या डिस्प्ले आएगा कि थैंक यू 19, मतलब उस 20 के अंडर ही है, 20 से कम ही है तो थैंक यू कर दिया उसने। लेकिन अगर हमारा जो है वो 20 या 20 से ज़्यादा हुआ तो क्या आएगा? 20 लिख दें सबसे पहले। 20 लिखता है तो कहता है कि टू हाई, ठीक है। टू हाई मतलब 20 से कम करो। हमने यूज़र से बोला था कि 20 से कम नंबर आपने इंटर करना है, ना 20 या 20 से ग्रेटर हुआ तो हम क्या डिस्प्ले कराएंगे? टू हाई। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी। आसान सा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।